गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिटर्निंग वॉल्स. रिटर्निंग वॉल टॉपिक पढ़ने के बाद हम दो सब्जेक्ट्स में एक ही टॉपिक को कवर कर ले लेंगे. ये टॉपिक आरसीसी में भी कवर हो जाएगा एंड वी विल कवर द सेम टॉपिक इन दोस ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम रिटर्निंग वॉल के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज एक्चुअली रिटर्निंग वॉल? रिटर्निंग वॉल इज ए स्ट्रक्चर टू रिटेन सॉइल, रॉक और अदर मटेरियल इन वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, हैंस दे प्रोवाइड ए लेटरल सपोर्ट टू वर्टिकल स्लोप ऑफ सॉइल दैट वुड अदरवाइज कोलैप्स इनटू अ मोर नेचुरल शेप. टाइप क्या क्या होते हैं देखिए. पहली होती है ग्रेविटी वॉल, मेड ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट और ब्रिक मशीनरी. द स्टेबिलिटी ऑफ द वॉल इज मेंटेन बाई इट्स ओन वेट एट अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर. एक सिंपल वॉल बना देंगे जो कि उसके साइड में जो सॉइल होगी इट विल रेजिस्ट दैट सॉइल टू जस्ट कोलैप्स. ओके, एंड हाइट इज अप टू ओनली 3 मीटर. कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल वॉल कॉल्ड स्टेम. ओके, हील स्लैब एंड टो स्लैब. ऑल एलिमेंट्स बिहेव लाइक कैंटिलीवर बीम ऑफ स्लैब, हैंस इट इज कॉल्ड कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल. द स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाई द वेट ऑफ द रिटर्निंग वॉल एंड द अर्थ ऑन द हील स्लैब ऑफ द रिटर्निंग वॉल सुटेबल अप टू 6 मीटर. इट मे बी टी शेप्ड और एल शेप्ड. टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, ये देखिए ऐसा होता है. काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, इन दिस वॉल हील स्लैब एंड द स्टेम आर कनेक्टेड बाई काउंटरफोर्ट. बिकॉज ऑफ प्रोविजन ऑफ काउंटरफोर्ट द वर्टिकल स्टेम एंड हील स्लैब एक्ट एज ए कंटिन्यूस स्लैब. द काउंटरफोर्ट एक्ट एज ए टेंशन मेंबर टू सपोर्ट द स्टेम एंड रिड्यूस बेंडिंग मोमेंट. द स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाई द सेल्फ वेट ऑफ द वॉल एंड बाई द वेट ऑफ अर्थ ऑन द बेस स्लैब. सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर हाइट मोर देन 6 to 8 meter. टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल में देखिए, ये काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल ऐसी होती है. टाइप्स ऑफ इसमें देखेंगे अपन ब्रिज अबटमेंट्स, सिमिलर एज कैंटिलीवर वॉल बट टॉप ऑफ स्टेम इज ब्रेस्ड बाय द डेक स्लैब और ब्रिज. द स्टेम कैन बी डिजाइन एज फिक्स्ड एट बेस एंड सिंपली सपोर्टेड. बॉक्स कलवर्ट, इट्स एक्ट एज क्लोज रिजिड फ्रेम. इट कंसिस्ट ऑफ आइदर सिंगल और मल्टीपल सेल्स. इट रेजिस्ट लेटरल प्रेशर ऑन अर्थ एंड व्हीकल लोड. सीट पाइल वॉल जो है रिटेनिंग वॉल, ये यूज टू बिल्ड कंटिन्यूस वॉल्स फॉर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर एंड द टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन. वॉल हाइट ग्रेटर देन 6 मीटर इफ यूज विद एंकर्स. कैन बी मेड ऑफ स्टील, प्लास्टिक, वुड, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट. अब देखिए गैबियन वॉल होती है. गैबियंस आर मल्टी सेल्ड वेल्डेड वायर और रेक्टेंगुलर वायर मेस बॉक्सेज विच आर देन रॉक फिल्ड. दिस टाइप ऑफ कैंटिलीवर वॉल इज नॉट मच इन यूज इन इंडिया. अब इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं द स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग. इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 0.9 इंटू रिस्टोरिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.4. ओके, इट मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग शुड बी मोर देन और इक्वल टू 1.55. ओके, अब अगर स्लाइडिंग के थ्रू देखा जाए तो इसमें होना चाहिए. इट मीन्स इसमें भी देखिए, अब स्लाइडिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे एंड रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, रेशियो देखेंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 1.55. ओके, लास्ट में देखते हैं स्टेबिलिटी अगेंस्ट मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस. इफ द मैक्सिमम प्रेशर एट बेस लेस देन सेफ ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन वॉल इज स्टेबल अगेंस्ट सेटलमेंट मैक्सिमम प्रेशर. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंड इट शुड बी लेस देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड नो टेंशन एट बेस. इफ द मिनिमम प्रेशर एट द बेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन द वॉल इज नॉट अंडर टेंशन. ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम प्रेशर इज गिवन एंड शुड बी और नॉट इक्वल टू 0. अब कंपोनेंट्स ऑफ वॉल देख लेते हैं अपन. ठीक है, रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट्स का क्या होते हैं. देखिए स्टेम होता है सबसे ऊपर, ये स्टेम है. बैकफिल फ्रंट इधर है, ये टो है, इधर हील है एंड ये शीयर की. शीयर की क्यों होता है, जो अब देखिए हर किसी का एक फंक्शन होता है. शीयर की इसकी स्लाइडिंग को रोकता है. ठीक है, जब आप हील के ऊपर वेट लगा देंगे तो वो इसको बाहर जाने से रोक रहा है. ठीक है, ये देखिए. और जो वर्टिकल स्टेम है ये पूरा जो लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, तो यही है कंपोनेंट्स हैं. आप इसको अगर ठीक से देख लेंगे
Vertical stem is a cantilever retaining wall, resist earth pressure from backfill side and bend like a cantilever. The thickness of cantilever slab is larger at the base of stem and it decreases gradually upward due to reduction of soil pressure with decrease in depth. Phir base slab, the base slab from the foundation of the retaining wall, it consists of a heel slab and the toe slab. Okay. Phir shear key. The main purpose of installation of shear key is to increase the extra passive resistance developed by the height of the shear key. Backfill. Second, a retaining wall must have properly compacted backfill, refers to the dirt behind the wall. Okay. तो यही था. थैंक यू सो मच.